प्रिय शिक्षक साथियों नमस्कार। साथियों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। एम शिक्षा मित्र ऐप पर प्राप्त किए गए गणवेश की जानकारी कैसे अपलोड करें, यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके थैंक यू। चलिए एम शिक्षा मित्र ओपन करते हैं। साथियों यहाँ पे एम शिक्षा मित्र को हमने ओपन किया। एम शिक्षा मित्र का नया वर्जन अपडेट हो चुका है 14.2.11। चलिए हम एम शिक्षा मित्र ओपन करते हैं। यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। साथियों बहुत से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह पेज ओपन होगा। संस्था प्रमुख का नाम, पद, विद्यालय का नाम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकिंग, क्रय आदेश, मास्टर डाटा डाउनलोड, गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, गणवेश आर्डर। सबसे पहले आप मास्टर डाटा डाउनलोड कर लें। यहाँ पे क्लिक करके मास्टर डाटा डाउनलोड सक्सेसफुल, गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, गणवेश आर्डर। यहाँ पे गणवेश आर्डर आप क्लिक करके देख लें। गणवेश आर्डर हैं वर्ष 2020-21 के शिक्षा सत्र 2020-21 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे शाला का नाम है GPS बगैहा 125, डैश कोड 317-01-85-01, आर्डर ID, आर्डर दिनांक, आर्डर आपूर्ति अंतिम तिथि, बालक की संख्या, बालिका की संख्या कुल 138, SHG संपर्क। यहाँ पे जो है ये समूह का नाम है प्रियंका समूह के द्वारा हमारे विद्यालय की गणवेश वितरण किया गया है। तो यहाँ पे ये गणवेश आर्डर हो गए साथियों। अब यहाँ पे हम गणवेश प्राप्ति दर्ज करें। अब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन या पेज खुल गया। गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, मेरे द्वारा गणवेश की प्राप्ति पहले यहाँ पे दर्ज किया जा चुका है। चलिए हम पुनः आप सभी को बता रहे हैं। यहाँ पे नई प्रविष्टि के लिए गणवेश प्राप्ति दर्ज करें। अब यहाँ पे सबसे ऊपर कक्षा पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सबसे पहले फर्स्ट क्लास को सेलेक्ट करते हैं। गणवेश संख्या बालक, गणवेश संख्या बालक इसमें जो है जितनी गणवेश संख्या आपको प्राप्त हुई है, जैसे बच्चों की संख्या 5 तो गणवेश की संख्या 10, क्योंकि दो सेट में गणवेश प्राप्त हुई है। गणवेश की संख्या यहाँ पे चलिए हम फिल करते हैं, बालकों को 10 मिली है गणवेश संख्या, बालिका के लिए 16, 8 बालिका थी तो उनको डबल गणवेश प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। गणवेश संख्या बालक रिजेक्टेड नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम 00 लिख देंगे। इसके बाद गणवेश संख्या बालिका, इसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया गया है। बिना किसी दोष के और छात्र को वितरण के लिए तैयार होने के साथ निर्धारित गुणवत्ता प्राप्त वर्दी की संख्या रिजेक्टेड, स्व सहायता समूह को वापस की गई गणवेश की संख्या। यदि यहाँ पे जो है जो हमने एक्सेप्ट किया है और रिजेक्ट नहीं किया गया है, यदि रिजेक्ट यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या होती है कोई गणवेश, तो यहाँ पे हम उस संख्या को दर्ज करेंगे। यदि रिजेक्ट नहीं किया गया है तो यहाँ पे हम 0 दर्ज करेंगे। ओके साथियों इसके बाद यहाँ सुरक्षित करेंगे। शाला द्वारा गणवेश की प्राप्ति यहाँ पे जो है इस तरह जो है डेट निर्धारित किया गया है, इस डेट को आप चूज़ कर लें। ओके क्लिक करें। इस तरह जो है 27/7/2021 को गणवेश प्राप्त किया गया है। अब यहाँ पे आप सुरक्षित कर दें। ओके साथियों इस तरह यहाँ पे पहली क्लास के गणवेश बच्चों का यहाँ पे सुरक्षित हो चुका है।
इसके बाद नई प्रविष्टि में पुनः जाएं, आप क्लास टू पर जाएं, यहाँ पे सेलेक्ट क्लास ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट ऑप्शन टू, गणवेश की संख्या अब कक्षा दो में जितने बच्चे दर्ज थे, चार बच्चे दर्ज थे हमारे यहाँ, तो उनको आठ गणवेश प्राप्त हुआ है संख्या में, और बालिका विचार थी तो उनको भी आठ प्राप्त हुआ है गणवेश संख्या, बालक रिजेक्टेड नो रिजेक्ट, गणवेश संख्या बालिका रिजेक्टेड नो रिजेक्ट, तो यहाँ पे शून्य शून्य लिखेंगे, और इसके बाद सारा द्वारा गणवेश की प्राप्ति, यहाँ पे डेट क्लिक करें, यहाँ पे 27/8/2021, और इसके बाद यहाँ सुरक्षित पर क्लिक कर दें। ओके साथियों, बहुत जल्दी इसमें जो है समय बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहाँ पे 10 मिनट का समय है, और 10 मिनट के समय में आप अपने बच्चों की जानकारी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ओके साथियों, इस तरह जो है गणवेश की रिजेक्टेड में आप 0 डाल सकते हैं, यदि रिजेक्ट किया गया है तो उसकी संख्या ज़रूर डालें, मेरे यहाँ कोई रिजेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है रिजेक्ट की जगह हम 0 लिखे हैं, और यहाँ पे पुनः सुरक्षित कर दिए। ये हमारे 3री क्लास के बच्चों प्रविष्टि हो चुकी है, अब यहाँ पे चौथी क्लास पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चौथी क्लास के बच्चों को 7 बच्चे थे, यहाँ पे 7 में 14 गणवेश प्राप्त हुआ है, बालिका हमारे यहाँ चौथी में 5 में 10 प्राप्त हुआ है, गणवेश संख्या बालक के लिए कोई रिजेक्ट नहीं किया गया, बालिका के लिए भी कोई रिजेक्ट नहीं किया गया, यहाँ पे डेट ऑप्शन क्लिक कर लें और सुरक्षित क्लिक करें। ओके साथियों, इसके बाद यहाँ पे पुनः जो है सेलेक्ट क्लास 5वीं गणवेश संख्या बालक का, यहाँ पे 5वीं क्लास में 6 बच्चे थे, दोबारा गणवेश प्राप्त हुआ, बालिका 9 थे तो वहाँ पे 18 गणवेश प्राप्त हुआ, गणवेश संख्या बालक नो रिजेक्ट, गणवेश संख्या बालिका नो रिजेक्ट, यहाँ पे डेट चूज़ कर लें और सुरक्षित पे क्लिक करें। ओके साथियों, इस तरह हमारे विद्यालय का ये बच्चों के गणवेश की जानकारी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ओके साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। ओके साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके साथियों, सब्सक्राइब करने के मतलब ये होता है कि यदि मेरा नया वीडियो YouTube चैनल पर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमारे वीडियो को आप देख पाएंगे। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।